टू डे नंबर सिक्स के फाइनल नंबर ने भाई सबके होश उड़ा दिए हैं। और भाई साहब जो नंबर मैं आपको बताऊंगी लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई सुंदर सपना देख रहे हो, क्योंकि पिछले छह दिन से जो गदर मचा हुआ है साथ साथ में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है गदर टू ने डे नंबर सिक्स पर। वो सब क्या है, कलेक्शन क्या है, स्टेट वाइज टॉप 10 कलेक्शन बताने वाली हूं मैं आपको इस वीडियो में। वीडियो में तक देख लेना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गदर मेनिया की। भर भर कर अभी भी वीडियोस आ रहे हैं। पीवीआर जैसे मल्टीप्लेक्स ने खुद एक वीडियो शेयर किया है हमसे, जिसमें मुंबई में जो प्रीमियर हुआ था उसका जो रिस्पांस आया था उसके ऊपर एक वीडियो पीवीआर ने शेयर किया है। और उसको देखकर लग रहा है भाई साहब मतलब क्या 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 होगा आगे चलकर, ये कितने रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है, कितने नए रिकॉर्ड्स बनाने वाली है। इसका अभी तक ट्रेड एनालिस्ट कुछ भी जायजा नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि गदर ही गदर मचा है। ठीक है, पहले बात करेंगे हम लोग, जैसे मैं आपसे हर बार बात करती हूँ ऑक्यूपेंसीज की, कि क्या ऑक्यूपेंसीज रही, लेकिन हम सिर्फ अब चार ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग और नाइट ऑक्यूपेंसीज इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद हम स्टेट वाइज टॉप 10 की बात करेंगे, किस स्टेट से मैक्सिमम कलेक्शन आई है टॉप 10 में। ठीक है, फिर उसके बाद आपको फाइनल नंबर बताऊंगी। बॉस हिल जाने वाले हो, पूरी तरीके से हिल जाने वाले हो। पहले सुनते हैं ऑक्यूपेंसीज। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी वेंसडे भरा ऐसा दिन जो पीक डे होता है, पीक डे पर 28% की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी। भाई पता है आपको फिल्मों की 10% से कम होती है वेंसडे जैसे दिन पे, बट गदर टू इज एन एक्सेप्शन, लिटरली ग्राउंड ब्रेकिंग अर्थ शैटरिंग काइंड ऑफ ऑक्यूपेंसीज। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 28%, आफ्टरनून 55%, इवनिंग 69% एंड नाइट ऑक्यूपेंसी अ मैसिव 70% ऑक्यूपेंसी ऑन अ वीक डे, दैट्स कॉल्ड टोटल मैडनेस। वो भी अगला दिन जब थर्सडे, जब अगेन एक ऐसा वीक डे आने वाला है, लेकिन फिर भी रात की ऑक्यूपेंसी 70% तक चली गई थी गदर टू की। ठीक है, इसी के साथ साथ हम कोई भी अगर कोई भी शहर उठाकर देख लें, ऑक्यूपेंसीज जो हैं वहां पर 50, 60, 70% से कम की नहीं गई हैं। और जैसे मैंने कहा टॉप 10 स्टेट्स की बात करूंगी जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कहां से कितनी कलेक्शन आई है, फिर टोटल कलेक्शन बताती हूं। भाई साहब इस लिस्ट में सबसे 10 नंबर पर जो नाम आ रहा है दैट इज हरियाणा। ऑल्दो और भी कई हैं, लेकिन जो मेन बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं ना उनकी बात करने वाले हैं। हरियाणा से 58 लाख का बिजनेस किया। नंबर 9 पर वेस्ट बंगाल 70 लाख। नंबर 8 पर आया कर्नाटका 80 लाख। नंबर 7 पर पंजाब, अपना उनका अपना सनी पाजी का अपना यू नो स्टेट पंजाब से 1.07 करोड़ की कलेक्शन आई। मध्य प्रदेश नंबर 6 पर आता है 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ की कलेक्शन आई। राजस्थान से राजस्थान ऑन नंबर 5, 2.5 करोड़ की कलेक्शन आई, 2.5 करोड़ की कलेक्शन आई। देखिए जयपुर की हम लोग बात कर रहे थे, भीलवाड़ा के वीडियोस हम लोग देख रहे थे, और भी कई जगह होंगी जयपुर में जहां के हम लोगों ने बातें सुनी है, वीडियोज देखे हैं। तो राजस्थान से 2.5 करोड़ की कलेक्शन आई। उसके बाद नंबर 4 पर आता है उत्तर प्रदेश, 3.2 करोड़ की यहाँ से कलेक्शन आई। उसके बाद नंबर 3 पर आता है दिल्ली, जहां से 4.3 करोड़ की कलेक्शन आई। नंबर 2 पे क्या होगा जरा गेस करो। नंबर टू पर आई स्टेट गुजरात। जी हाँ, दिल्ली से भी ज्यादा धमाका गुजरात में मचा हुआ था, 5.2 करोड़ की यहां से कलेक्शन आई। एंड नंबर 1 वाज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नंबर 1 पर आई विद 6.4 करोड़ की कलेक्शन, एंड विद दैट टोटल इंडिया से कलेक्शन जो आई है डे नंबर 6 पर ऑफ तारा सिंह्स गदर 2 वाज अ मैसिव 34 करोड़। कई कई जगह पर इसको 35 करोड़, कहीं 38 करोड़ तक बताया जा रहा है, और ग्रॉस में जो बात हो रही है वो तो 40 करोड़ तक जा रही है, 40 to 42 करोड़ तक जा रही है। भाई मैडनेस जिसको कहते हैं मैडनेस। और जैसे मैंने कहा एक नया रिकॉर्ड कायम किया है गदर टू ने, वो ये कि छठे दिन तक कॉन्सिक्यूटिवली 30 करोड़ से ऊपर का बिजनेस, 6 दिन तक कॉन्सिक्यूटिवली कंटिन्यूसली 30 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर रही है गदर टू। आज है डे नंबर 7, बड़ी बात नहीं है बॉस, कुछ भी हो सकता है गदर टू के साथ, हो सकता है आज भी 30 करोड़ तक ये टच कर जाए। दिस इज इनसेन क्रेजी। ठीक है, सो एंड विद दैट अभी तक की जो टोटल कलेक्शन आ गई है वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। 6 दिन की टोटल कलेक्शन कितनी आई है, डे नंबर 1 पर था 40 करोड़, डे नंबर 2 43 करोड़, डे नंबर 3 51 करोड़, डे नंबर 4 38.7 करोड़, डे नंबर 5 55 करोड़, एंड डे नंबर 6 34 करोड़ के साथ टोटल इंडिया नेट कलेक्शन ऑफ गदर 2 इन 6 डेज इज 263.48 करोड़। ओ माई गुडनेस, अभी सोचो कुछ ही देर में डेटा हमारे पास आ जाएगा ओवरसीज का, हमारे पास ग्रॉस का और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का आ जाएगा, तो ये कहाँ पहुंच जाएगी। 300 करोड़ तो कल ही पहुंच चुकी थी, मुझे लगता है आज जो हम बात कर रहे होंगे आज हम लोग कहीं ना कहीं 330 से 340 करोड़ की बात कर रहे होंगे 6 दिन की, 7वें दिन को मिला के नहीं।
तो मतलब 400 करोड़, 400 करोड़, तो भाई मुझे लग रहा है फ्राइडे तक, कल तक ही आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है 400 करोड़। अब टारगेट है 500 करोड़ का क्लब, और हो सकता है उसके बाद 600 करोड़ भी, मंडे तक हम लोग बात कर रहे हैं। ये है, इसको कहते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। बॉस कैसा लगा है कलेक्शन सुनकर, मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करो। बाकी फिर लाइक दिस वीडियो, थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टार फैंक्शन।